से पर कासिम सलीम बाजवा की अपने खिलाफ तमाम इल्जाम की सख्त तरदीद, 4 सफात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी कर दिया। कहा, अल्लाह का शुक्र साख मुतासर करने की कोशिश बेनकाब हो गई, हमेशा इज्जत और के साथ मुल्क की खदमत करता रहूंगा। अपोजिशन जमातों का 20 सितंबर इसी का ऐलान, बिलावल हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातें मिल बैठेंगी, हुकूमत के खिलाफ लाए अमल तय होगा, राहबर कमेटी के इजलास में फैसले। अकरम दौरानी कहते हैं कि अपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत को मजीद एक दिन भी देना मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है। सदरका द्वारा पाकिस्तान रीशेड्यूल, नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इक्तिसादी राहदारी को दरपेश खतरात से आगाह है, दुश्मनों के अजायम काब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आंकी है, पुलिस को मुसल्ला अफवाज की हिमायत हासिल है, मिलकर काम कर रहे हैं, करप्शन का खारूरी मुल्क को दुरुस्त समत गामजन कर दिया, ऐसी मईशत नहीं चाहते जिसका इन कर्जों पर हो, इजहार राय की आजादी पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान आजाद फलस्तीन की हिमायत है और इसी मौके पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कराची के शेड्यूल में तब्दीली, 5 सितंबर को कराची का दौरा करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास में फैसला, वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में प्लान से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कराची पाकिस्तान का गेटवे और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सियासत करने नहीं गया था, वजीर आजम का फर्ज था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करते, इमरान खान जियो टर्म में मास्टर हैं, कोई बात करें तो कहा जाता है कि ओपोजिशन एनआरओ मांगती है, डॉक्टर इजाजत देंगे तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगु। सदर शहबाज शरीफ ने कराची में पुरतपाक इस्तकबाल को नाकाबले फरामोश करार दे दिया। कहा, आपकी वालेहाना मोहब्बतों का खैर मकतब, कराची की तरक्की का सफर नू लीग आवाम के साथ मिलकर तय करेगी, कायदे हिजब इख्तलाफ का ट्वीट। मॉनसून की तूफानी बारिशों से सिंध में 101 अफराद जाँ बहक, 63 का ताल्लुक कराची से था, वजीर आला मुराद अली शाह ने नुकसान के अदाद शुमार बता दिए, कहा रिकॉर्ड बारिशें हुई, सिर्फ जोही में 2,40,000 अफराद मुतासिर हुए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, कराची में दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, एहतसाब अदालत का वजारत खारजा को वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म, पुलिस ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में चीफ इंजीनियर टेपा मजहर हुसैन और शरीक मुलजिम अंजम जीशान गिरफ्तार, मुलजिम का 70 करोड़ रुपए से जायद के असासाजात और बैंक बैलेंस, 50 करोड़ रुपए के असासे अपने और अहले खाना के नाम बनाए, नैब लाहौर ने गुज़श्ता साल तहकीकात का आगाज किया। शेख रशीद कहते हैं कि मरियम ने सियासी गढ़ा खोदा, फैसला नवाज शरीफ के हाथ में है, वापस न आए तो नून लीग और शीन लीग बन जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जो कहते हैं कि असेंबली छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भारत को कुलभूषण जाधव तक काउंसलर रसाई का एक और मौका, कहा क्या हमारे गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद हो गया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अथर मिनुल्ला का इस्तफसार, भारतीय वजारत खारजा की तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का अदालत के रूबरू बयान।
बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेलों ने नसीराबाद में तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों देह डूब गए। मुतासरीन बेयारो मददगार, लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू। दरियाए काबुल में पानी का तेज बहाव, मुतअद्दी देहात डूब गए। सवाबी में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जां बहक, 2 जख्मी। जां बहक होने वालों में 3 बच्चे शामिल। बदीन में बारिशों ने सब कुछ डबो दिया, नदी नाले भी भर गए, गलियां मोहल्ले जौहर बन गए, मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। मैयत को भी गंदे पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। पीएसओ में गैर कानूनी भर्ती केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत की तौसीक। कहते हैं इमरान खान की बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, नैब रहा तो मुल्क नहीं चल सकता, किसी इदारे में कोई माहिर शख्स काम करने को तैयार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। ऑरेंज लाइन ट्रेन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में सोलर सिस्टम नस्ब होगा। 210 सरकारी अस्पतालों में भी शमसी तवानाई पैनल्स नस्ब किए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद, तादाद 6328 हो गई। मजीद 424 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,97,014 मरीज। सिंध में 2,415, पंजाब में 2,205, खैबर पख्तूनख्वा में 1,255, बलूचिस्तान में 143, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आजाद कश्मीर में 64 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,62,00,000 मरीज, 8,68,000 हलाकते। अमेरिका में 1,90,000, ब्राजील में 1,24,000, मैक्सिको में 65,000, रूस में 17,000, भारत में 67,000, सऊदी अरब में 3,000 अमवात हुई। खारजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान कायम मुकाम वजीर खारजा हनीफ अतमर में टेलीफोनिक राबिता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खत्ते में इस्तेहकाम अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है। पाकिस्तान पनाह गुजीनों की जल्द और बावकार वतन वापसी का भी ख्वाहां है। कुलभूषण को तीसरी कौंसलर रसाई की पेशकश अभी तक बरकरार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, भारत आगे बढ़े और पाकिस्तान की अदालतों से ताबुन करे। कराची के खेमाड़ी ऑयल टर्मिनल में आतिशजदगी, 2 अफराद जां बहक, 4 अफराद झुलस कर जख्मी। पेट्रोलियम सप्लाई मुअत्तल, कई घंटों की कोशिश से आग पर काबू पा लिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ इलाज करवाएं और वापस आ जाएं, अगर नहीं आए तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमाते मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती, नवाज शरीफ अदालती फैसले का एहतराम करें और सरेंडर कर दें। पंजाब में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला, वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अशियाई जरूरिया के निर्ख पंजाब में सबसे कम है। महंगाई का मुस्तकिल सदबाब चाहते हैं, अवाम के लिए आसानियां पैदा करना फर्ज भी है और जिम्मेदारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची के मसाइल का हल सबके मिल बैठने में है, निचले सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने तक मसाइल हल नहीं होंगे, कराची को उसके हकूक दिए जाएं। वज़ीर आज़म सिर्फ पैकेज का ऐलान ना करें। फलस्तीन का अस्पर मौकिफ तब्दील नहीं होगा, सऊदी अरब का दो टूक मौकिफ। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं कि अरब अम मंसूबे की कोशिशों और कामयाबियों को सराहते हैं। अमेरिका चीन सर्द में शिद्दत, अमेरिका के चीनी सफारतकारों पर नई पाबंदियां, तकरीबात में शिरकत से काबिल इजाजत लेना होगी। चीन ने पाबंदियों को खुद मुख्तारी के दावों की नफी करार दे दिया। और ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर नेमार समेत 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस में मुब्तला।
पेरिस सेंट जर्मेन क्लब की तस्दीक। तीनों खिलाड़ियों को तिब्बी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया।